नमस्कार दोस्तों, शिक्षा संकल्प यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जो राजस्थान विद्या संबल योजना है, जिसके आवेदन है वो कल से शुरू होने वाले हैं, तो इस विद्या संबल योजना के बारे में आपके कुछ सवाल है, उन सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। और उसके बाद में भी आपका कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट में भेज दें, मैं उसका रिप्लाई कर दूँगा। दोस्तों, विद्या संबल योजना एक बहुत ही बेहतरीन योजना है। इस योजना के अंतर्गत आप है वो बिना परीक्षा के एक तरह से पार्ट टाइम जॉब कर पाएंगे। ये गेस्ट फैकल्टी है, मतलब कि एक तरह से बात करें तो ये स्थायी योजना नहीं है, अस्थायी है। इसमें अगर आपका चयन हो जाता है, आपको है वो ये जॉब मिल जाती है, तो उसके बाद में ये अस्थायी है, मतलब कि रेगुलर नहीं है, लेकिन ये बहुत ही अच्छी है। इसमें दोस्तों सबसे पहले बात करें तो आपके कुछ डाउट है उनके बारे में रिप्लाई दूंगा। जैसे रिक्त पद, इनकी हम जानकारी है वो कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑफलाइन भरा जाएगा या फिर ऑनलाइन भरा जाएगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास में होने चाहिए, इसमें जो सैलरी है वो कितनी मिलेगी, और उसके बाद में जो बीएड या डीएलएड अपेयरिंग वाले विद्यार्थी है वो आवेदन कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, कब तक वैधता सूची जारी होगी और ज्वाइनिंग कब तक करनी है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि रिक्त पदों की जानकारी। साथियों, जो रिक्त पद है, रिक्त पदों की जानकारी जिला लेवल पर, ठीक है, जिला स्तरीय जो रिक्त पद है इनकी लिस्ट आज जारी हो चुकी है, आपने है वो देख ली होगी। अगर आपको नहीं मिली है तो आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है शिक्षा संकल्प के नाम से, वहाँ पर जुड़ जाइए। वहाँ पर मैंने है वो जो भी लिस्ट मेरे को उपलब्ध हुई थी वो मैंने उस चैनल पर है वो भेजने की कोशिश की है, तो आप उस लिस्ट से पता कर सकते हैं कि आप जिस क्षेत्र से हैं वहाँ पर किस स्कूल में किस कितनी है वो पोस्ट रिक्त है, ठीक है। उसके बाद में जैसे ही ये जिला स्तर पर लिस्ट जारी होती है, उसके बाद में जो आपका पीओ स्कूल है तो पीओ लेवल पर भी, ठीक है, पीओ लेवल पर भी विज्ञप्ति जारी होती है। उस विज्ञप्ति के अंतर्गत ये बताया जाता है कि किस स्कूल में कितने पद रिक्त हैं, किस सब्जेक्ट के रिक्त हैं, ठीक है। और ये पीओ स्कूल से विज्ञप्ति जारी होने के बाद में आपके है वो जो 2 नवंबर है, ठीक है, आज 1 नवंबर हो गया है, कल 2 नवंबर है, तो 2 नवंबर से आपके है वो आवेदन शुरू हो रहे हैं। 2 से 4 नवंबर के बीच में, 2 से 4 नवंबर के बीच में आवेदन शुरू हो रहे हैं। और ये आवेदन की बात करें तो ये आवेदन है वो आपके ऑफलाइन होने वाले हैं, आवेदन ऑनलाइन नहीं होंगे। और जो ऑफलाइन आवेदन का प्रारूप है वो भी आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, टेलीग्राम चैनल पर भी भेज दूंगा, वहाँ से आप प्रिंट आउट लेके है वो ये फॉर्म भरना है। उसके बाद में ज़रूरी दस्तावेज की बात करेंगे, ठीक है, तो आपको 2 से 4 नवंबर के बीच में ये एप्लीकेशन फॉर्म भर करके है वो पीओ स्कूल में, पीओ के पास में जमा करवाना है, न कि स्कूल में एचएम के पास में, तो आपको 4 नवंबर तक पीओ के पास में ये फॉर्म है वो जमा करवाना है। उसके बाद में हम बात करेंगे, एक आप डाउट ये भी रहता है कि सैलरी, सैलरी की बात करें तो ये आपके उस पोस्ट पर डिपेंड करती है कि आप किस सब्जेक्ट से हैं, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है वो आपके विद्यालय का जो एचएम होता है वो निर्धारित करेगा कि आपको है वो कितने कालांश मिलने वाले हैं, उसके आधार पर आपका मानदेय तय होगा। अगर आपको 2 कालांश मिलते हैं या फिर 3 कालांश मिलते हैं तो उसके अकॉर्डिंग निर्धारित होगी। अगर आपको पूरे दिन मतलब सारे कालांश में आपको बजाना पड़ता है तो आपका अधिकतम वेतन ये जो दिया गया है यही होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो आगे का कार्यक्रम, ठीक है, जैसे आज 1 तारीख थी, आज है वो विज्ञप्ति और रिक्तियों का प्रकाशन हो गया है। 2 से 4 तक आप विद्यालय समय में आवेदन कर सकते हैं, पीओ के पास में जमा करवाना है। उसके बाद में 5 तारीख को प्राप्त आवेदनों की सूची प्रकाशित करना, जो पीओ स्कूल है वहाँ से ये जो प्राप्त आवेदन है उनकी सूची प्रकाशित हो जाएगी कि किस पोस्ट पे कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। उसके बाद 7 तारीख को पात्रता की जाँच होगी और वरीयता सूची प्रकाशित होगी और वो भी अस्थायी होगी। उसके बाद में 9 तारीख से आपकी आपत्तियाँ मांगी जाएगी कि आपके आवेदन में किसी भी प्रकार की समस्या है, उसके बारे में आप आपत्ति दर्ज करना चाहते हैं तो वो मांगी जाएगी। और उसके बाद में 10 तारीख को अंतिम वरीयता सूची प्रकाशित होगी, ठीक है, और 11 तारीख से आपके जो मूल दस्तावेज है, क्योंकि जब आप फॉर्म भरेंगे उसमें आपके
सारे दस्तावेजों की स्व प्रमाणित प्रति लगेगी, मतलब कि फोटो कॉपी लगेगी। लेकिन जैसे ही आपका वरीयता सूची में नाम आ जाता है, उसके बाद में आपके मूल दस्तावेज है उनकी जाँच की जाएगी 11 नवंबर को। और उसके बाद में 12 नवंबर को आदेश जारी होगा। उसके बाद में आपको कार्य ग्रहण करना है और कार्य ग्रहण करने की अंतिम तिथि होगी 19 नवंबर। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि ज़रूरी दस्तावेज कौन कौन से होने वाले हैं, क्योंकि ये आवेदन का प्रारूप है तो आपके पास में एक फ़ोटो होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद में ये सारी डिटेल भरनी है। और दस्तावेज की बात करें तो सबसे पहले आपकी 10th की मार्कशीट, ठीक है, उसके बाद में 12th की मार्कशीट है, उसके बाद में अगर आपने BA किया है, क्योंकि BA की जो L1 के लिए BA आपके पास होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन जो BA धारी है तो उनके लिए, या फिर जो सेकेंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के लिए आवेदन कर रहे हैं उनके लिए, ये जो BA का डिग्री है वो भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद में जो फर्स्ट ग्रेड है उनके लिए MA की डिग्री। उसके बाद में प्रेस शैक्षणिक योग्यता है इसमें, ठीक है, इसमें अगर आपने BEd कर रखा है तो आपको BEd की डिग्री लगानी है, और DLed कर रखा है तो DLed की डिग्री। उसके बाद में आपके पास में रीट उत्तीर्ण का सर्टिफिकेट होना चाहिए, इसके बिना आप आवेदन नहीं कर पाएंगे, और उसकी वैलिडिटी भी वर्तमान तिथि तक होनी चाहिए। ठीक है, जैसे L1 के अभ्यर्थी हैं तो आप रीट 2021 का जो पात्रता का प्रमाण पत्र है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, और जो नवीनतम रीट हुई है 2022 की, इसका भी है वो आप उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद में आपका जाति प्रमाण पत्र, अगर आप आरक्षित श्रेणी से हैं तो आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद में अगर आप विकलांग, इस ये जो कैटेगरियाँ दे रखी है, विकलांग है, भूतपूर्व सैनिक है, इस किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो आपको वो भी सर्टिफिकेट देना होगा। और उसके बाद में मूल निवास प्रमाण पत्र और 2 चरित्र प्रमाण पत्र होने चाहिए। ठीक है, तो ये जो सारे डॉक्यूमेंट हैं, कुल मिलाकर के 11 से 12 डॉक्यूमेंट हैं, ये सारे आपके पास होने चाहिए। इनकी स्व प्रमाणित प्रति जिस पर आपके साइन होंगे, ये इस आवेदन के साथ में लगवा करके 2 से 4 नवंबर के बीच में आपको जमा करवाने हैं, और उसके बाद में आपकी सूची जारी होगी। तो दोस्तों, ये थी महत्वपूर्ण जानकारी जो मैंने इस वीडियो में आपको उपलब्ध कराने की कोशिश की है। इसके अलावा भी आपका कोई डाउट हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, आप इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अपना जो टेलीग्राम चैनल है शिक्षा संकल्प के नाम से, वहाँ पर भी जुड़ जाइए। थैंक यू, धन्यवाद।